तो हम आगे यहाँ खेत में फिर पुलाव के लिए सामान देते हैं। तो देखिए गाजर हम निकाल दिए हैं, अब मटर तोड़ देते हैं। तो मटर भी तोड़ दिए, अब थोड़ा धनिया पत्ता दे देते हैं। तो धनिया पत्ता भी दे दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है दादाजी का ढाबा में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल चिकन, जो कि आप स्नैक्स में भी खा सकते हैं और लंच या डिनर में भी खा सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है और इस हमने बहुत बातों का इसमें ध्यान रख के चिकन बनाया है। तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाइए कि क्या हम बना रहे हैं, बस आप इतना सोचिए कि इस वीडियो को लाइक करना है। तो चिकन बनाएंगे और साथ में बनाएंगे हम शाही पुलाव। तो खेत से सामान ले दिए हैं, एक दो बीट रूट भी निकाल देते हैं, देखते हैं बड़ा बड़ा किधर हुआ पड़ा है। दो बीट रूट भी निकाल दिए हैं, चलिए चलते हैं। डेढ़ किलो चिकन है, इसको हम बढ़िया से धो लिए हैं 3-4 पानी। अब इसको हम मैरिनेट करना है, तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। इसमें हम 2 अंडे तोड़ के डालेंगे, 3 टेबल स्पून के करीब। हम थोड़ा कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं, ये अरारोट है, कॉर्नफ्लावर। 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्चा डालते हैं और 1 टेबल स्पून से कम नमक डालते हैं। और थोड़ा सा इसको और बढ़िया कलर देने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें देगी मिर्च भी डालेंगे। नहीं हो तो थोड़ा लाल मिर्च बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टुकड़ा हम नींबू डालेंगे यहाँ पे। आप अगर नींबू नहीं है आप तो विनेगर डाल दें। तो नींबू का जूस डाल देते हैं, अब इसको हम मिला देते हैं। होली में या दुकानों पे आप देखते होंगे एकदम जो चिकन क्रिस और लाल लाल कलर का दिखता है, तो देगी मिर्च से नहीं बन पाता है, उसमें थोड़ा फूड कलर भी डालना पड़ता है। तो अगर आप उस तरह का बनाना चाहते हैं तो फूड कलर डाल दें। हम भी इसमें 1 से 2 पिंच डालेंगे, ये आपको जितना कलर चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि फूड कलर मत डालिए, लेकिन दोस्तों को बाजार जैसा चाहिए तो आप डालें, अदरवाइज नहीं। अपना घर में खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मैरिनेट कर दिए हैं, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देते हैं जब तक बाकी का प्रोसेस हम करते हैं। तो चूल्हा जला देते हैं, क्योंकि चिकन मैरिनेट किए हुए हमें 15 से 20 मिनट हो गया है। चूल्हा जला दिए हैं, अब कढ़ाई रख देते हैं। तो इसमें डाल देंगे हम तेल। चिकन के ग्रेवी के लिए हम 4 प्याज और 3 टमाटर दिए हैं। इसे हमें बारीक नहीं काटना है, इसे रफली काटेंगे, बस 4 पीस कर देंगे इसको। इसको 4 पीस करके रख देंगे और इसे हमें फ्राई करना है। इस तरह से हम काट काट के रख देंगे। प्याज काट दिए हैं और टमाटर को हम साबुत साबुत ही फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हम डाल देते हैं अब इसमें चिकन पहले फ्राई करेंगे। इसको मिला देते हैं एक बार, अब डालते हैं। तीन चार मिनट में एक तरफ से फ्राई हो जाएगा, तो फिर इसको हम पलटेंगे, अभी नहीं पलटेंगे। तो खेत से मटर दे के आए हैं, गाजर दे के आए हैं, चुकंदर, ये सारा को हम छील के बढ़िया से धो के और बारीक बारीक काट देते हैं और मटर को छुड़ा देते हैं जब तक हमारा चिकन उधर फ्राई हो रहा है। तो एक तरफ से चिकन फ्राई हो गया है, इसको हम पलट देंगे इस तरह से, और फिर दूसरे तरफ से भी हम बढ़िया से इसको क्रिस्पी कर देंगे। तो चिकन हमारा क्रिस्पी हो गया है, इसको निकाल देते हैं। तेल जब बढ़िया से गर्म हो तो आप प्याज को और टमाटर को फ्राई कर दें। अभी हमारा एक ही चक्कर चिकन फ्राई हुआ है, तो हम इसको इस वजह से पहले फ्राई कर देते हैं कि ये ठंडा होगा तब हम पीसेंगे। तो जब तक ये ठंडा होता रहेगा, जब तक जो हमारा चिकन बचा हुआ है उसको हम फ्राई कर देंगे। तो देखिए हमारा प्याज फ्राई हो गया है, इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है। प्याज फ्राई कर दिए हैं, टमाटर भी फ्राई कर देते हैं। टमाटर को अगर फ्राई करना हो आपको डीप फ्राई, तो इसको छेद दें, नहीं तो कभी कभी टमाटर फूट भी जाता है। तो टमाटर प्याज हमारा फ्राई हो गया है, तो इसको ठंडा करके हम पीस देंगे। ये देखिए सारा चिकन हमने फ्राई कर दिया है, अब चलते हैं बनाने। तो फ्राई वाला कढ़ाई उतार दिए हैं, अब चिकन इसी कढ़ाई में बनाएंगे। तो इसको चढ़ा दिए हैं,
तड़के में मुझे है 2 तेज़पत्ता, 2-3 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून जीरा। अब इसमें जायवित्री का फूस भी डाल सकते हैं, चकरी फूस भी डाल सकते हैं, इतना से भी बढ़िया बन जाएगा। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है तो हम तेल डाल देते हैं। तो जिस तेल में हम चिकन को फ्राई किए थे उसी में से हम डाल देते हैं 2 कलछी, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून तेल होगा, ये बहुत छोटा कलछी है। यहीं पे हम तड़का डाल देते हैं। तड़का हमारा तड़क गया है तो 1 प्याज को हम इस तरह से रफली काट लिए हैं, डाल देते हैं। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप 1 प्याज और काट के डाल सकते हैं। इसे बढ़िया से हम भून देंगे, गोल्डन ब्राउन कर देंगे प्याजों को, उसके बाद हम कुछ डालेंगे। तो प्याज हमारा बढ़िया से भून गया है तो यहीं पे हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी 1 से 2 मिनट हम भून देंगे। तो यहीं पे जो टमाटर प्याज का ग्रेवी हम बना रखे थे उसको पीस दिए थे उसे भी डाल देते हैं। अब यहीं पे मसाले डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून से ज़्यादा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और देगी मिर्च भी हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़िया आता है, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। अब इसको मिला देते हैं और मसाले को बढ़िया से हम 5-6 मिनट भूनेंगे। और जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसी में का ये मसाला है, इसी को इतना डाल देते हैं। पानी थोड़ा सा डाल के हमने उसको साफ़ कर दिया है। अब इस पानी के सहारे मसाले को और ग्रेवी को बढ़िया से हम भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दें। चलाने के बाद ग्रेवी को ये उड़ना शुरू कर देता है तो इसको ढक के हम 2-2 मिनट पर हम ढक्कन उठाएंगे और इसको भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल पानी इसमें का सूख नहीं जाएगा और तेल नहीं छोड़ देगा तब तक। तो आपको हम भून के दिखाते हैं। आँच हम धीरे ही रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे मसाला भूनते समय। तो मसाला हमारा बढ़िया से भून गया है, देख सकते हैं। तो हमें जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही हम पानी डालेंगे इसमें। कटोरा डाल के देखते हैं क्योंकि हम चिकन ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें पुलाव के साथ खाना है। तो अभी ये बहुत ग्रेवी मोटा है तो और थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो जब तक हमारा चिकन की ग्रेवी खोल रहा है तब तक हम पुलाव के लिए पतीला को पोत देते हैं। ग्रेवी हमारा खोल गया है तब इसी में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ध्यान में रखते हुए कि मैरिनेशन के समय हम नमक डाल रखे थे तो ज़्यादा ना हो जाए। यही डालेंगे हम गरम मसाला 1 टीस्पून से ज़्यादा। यहीं पर डालेंगे थोड़ा धनिया पत्ता और इसको एक बार चला देंगे। हाँ, तो इसको आपको जितना ग्रेवी के साथ खाना है वो ग्रेवी के साथ खाए और बाकी सब नहीं तो ठंडा के साथ स्नैक्स में भी इसको खा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे खाने के लिए। देखिए हमने इतना पीस डाल दिया है और इतना बचा लिया है। इसको एक बार चला लेंगे चिकन को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि जब हम 2-3 मिनट पकाएंगे तो जो हमारा चिकन मैरिनेट किया हुआ इसमें हम डाल रखे हैं वो बढ़िया से मसाला एब्जॉर्ब कर देगा। 2-3 मिनट इसको पका लिए हैं, अब इसको ढक देते हैं और इसको उतार देते हैं चूल्हे से नीचे। अब बनाएंगे हम पुलाव। तो अब हांडी चढ़ा देते हैं पुलाव बनाने के लिए, हांडी को गर्म कर देंगे। तो हांडी हमारा गर्म हो गया है तो इसी में हम 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे और यहीं पे 1 टेबल स्पून हम डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो पूरा देसी घी भी डाल के बना सकते हैं। तो यहीं पर हम तड़के में लिए हैं पुलाव के लिए ये दालचीनी और जावित्री दोनों मिक्स है, 4-5 लौंग है, 8-10 काली मिर्च है। तड़के में हम लिए हैं ये देखिए दालचीनी और जावित्री इसमें मिक्स है, 5-6 लौंग है, 8-10 काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून जीरा है। घी हमारा गर्म हो गया है इसी में डाल देते हैं तड़का। तड़का को तड़का लेंगे हम, यहीं पर हम 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को ज़्यादा नहीं हम 1 मिनट भूनेंगे बस। प्याज को हम 1 मिनट भून लिए हैं तो गाजर मटर डाल देते हैं। अब इसे बढ़िया से हम 4-5 मिनट भून देंगे ताकि हमारा गाजर भी बढ़िया से भून जाए। तो इधर हमारा गाजर मटर प्याज भून रहा है तो देखिए हम लॉन्ग राइस लिए हैं पुलाव के लिए, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लगभग 750 ग्राम लिए हैं चावल। इसको हम बढ़िया से 2 पानी धो लेंगे, 2 से 3 पानी, जब तक चावल साफ़ हो जाएगा उसके बाद नहीं धोएंगे हम। और इसे हमें भिंगा के रखना नहीं है,
जब तक हमारा मटर प्याज भून जाएगा तब उसी में डाल लेंगे। जब आप भिंगा कर रखेंगे चावल को तो पानी कम डालना पड़ता है, तो यहीं पे हम चावल डाल देते हैं। यहीं पर हम एक टीस्पून नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और इसको चला देंगे। जिस बर्तन में हम जितना चावल लिए थे उतना ही हम पानी डाल देते हैं। इसका हम लेवल कर देंगे एक बार। तो यहीं पे हम 2 से 4 बूंद तक, थोड़ा ज़्यादा ही डल गया, केवड़ा जल डाल दिए हैं और एक बार मिक्स करके इसको ढक देंगे। इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। आँच हम धीरे ही रखेंगे और जब एक बार ये खोल जाएगा तब हम देख लेंगे कि चावल का कंडीशन क्या है, यानी कि पुलाव का। पुलाव में बहुत सारा खड़ा मसाला लोग डालते हैं, तो आप जीरा और तेजपात से भी पुलाव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 4-5 मिनट हो गया है, अभी पानी भी ख़त्म हो जाएगा और देख रहे हैं पुलाव कितना बेहतरीन बन रहा है। इसको ढक देते हैं। चावल हो गया है, ये मुश्किल से 8 से 10 मिनट के करीब लगा हुआ है। तो किनारे किनारे से हम चला देंगे पुलाव को और आप देख सकते हैं एक भी चावल के दाने टूटे नहीं हैं। तो पुलाव तो सर्व कर दिए हैं, अब चिकन भी कर देते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी इसकी कितनी लजीज बनी हुई है। तो देखिए होली वाली स्पेशल थाली बन के तैयार हो गई है और साथ में हमने बनाया है सलाद। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें और हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। हमारा आईडी है लाला जी का ढाबा और हमें कौन कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। तो आप सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वाओ मम्मी, मैं भी कटकम हूँ।